आप उनको मुझे कमेंट में बताना कि आप तो तीखे खाने अच्छे लगते हैं या मेरी तरह मसाले वाले, तो कमेंट पे आप लोगों को ये जरूर मसाले वाले। तो गाइस आप जरा रुके, मैं जानता आप लोगों को एक्सटीरियर दिखाता हूँ। आई ट्राई जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी नाइट एट कराची, तो जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि वही सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। हम लोगों ने आप लोगों को 80% कराची दिखाया था पूरा, सही है। और तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक अपनी न्यू सीरीज शुरू की है जिस सीरीज का नाम है यम्मी बाइट ऑफ कराची। तो गाइस जैसा कि कराची एक थाने मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, तो हमने सोचा थे अपने व्यूवर्स को जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं हम तो ये भी दिखाएं। तो आज मैं आपको एक बड़ी यूनिक चीज दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अरे यार मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये दिल्ली फेमस फूड। तो गाइस ये है 1958 से यहाँ पाकिस्तान में, ये 1958 से ये पाकिस्तान से बना था। और इस साल इस सीरीज में हम आप लोगों को पूरे कराची के खाने जो स्पेशलिटीज हैं, कराची के फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, उसी साथ साथ और आप लोगों को सारी कराची की फेमस डिशेस और सारा कुछ दिखाएंगे। और इस सीरीज में हम जब थोड़ी बात आ रही है फूड की, तो किचन रिव्यू तो मस्ट है, तो हम इनका किचन भी रिव्यू करेंगे। मैं जानता आप लोगों को एक्सटीरियर दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये दिल्ली चाट। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर व्यू देख सकते हो, ये काफी यूनिक, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये शॉप का एक्सटीरियर है। और हम जरा से किचन रिव्यू भी जरूर करेंगे, और अभी हम लोग आप लोगों को इसका किचन रिव्यू भी देते हैं और इसका खाना वाना भी दिखाते हैं कैसा है। गाइस जरा हम आपको इसका किचन रिव्यू दिखाते हैं, किचन रिव्यू करवाते हैं। यहाँ बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं पहली दफा ऐसे कर रही हूँ यहाँ से। हाँ यहाँ से क्या आप लोग देख सकते हो। सो गाइस जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। और ये शॉप के मालिक हैं, जरा आप अपने बारे में थोड़ा बताएं शॉप के बारे में। वो ये 1958 से हमारी शॉप है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा के टाइम से है। हमारे दादा ने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद ये है कि वाले साहब ने संभाल लिया, चाचा है, मैं हूँ, चाचा का बेटा है, इंशाल्लाह को हमने अपग्रेड करा है माशाल्लाह। 1958 से ये है, अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है जो कस्टमर आता है, हमारा मियाद भी बहुत अच्छा है, माल लेते हैं हम लोग, कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख का शुक्र है कि हमारी शॉप बहुत अच्छी चल रही है। वैसे आपके जरा मेन्यू में मतलब क्या क्या मिलता है? मेन्यू में अपना मिर्च चाट है, चना पापड़ी है, मीठा दही बड़ा है, मीठी पापड़ी है, नमकीन दही बड़ा है, पानी पूरी है, मीठा पूरी है, बर्गर है, निमका है, ये अवेलेबल है हमारे पास। और कोई एक स्पेशलिटी होती है ना, तो मतलब आपकी क्या है? हमारी स्पेशलिटी है कि मीठा दही बड़ा है, मीठे दही बड़े, मीठे दही बड़े और मिस चाट फेमस हमारे तीनों पानी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह फेमस है। सो गाइस जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों को दिखाया है और इनसे हमने पता भी किया कि इनके पास क्या क्या है, तो कितनी सारी डिशेज हैं इनके पास, सो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे खावा सकते हैं। हाँ
सो गाइस जैसा कि ये यहाँ पे एक अंकल है और ये यहाँ पे सारे मसाले वसाले पैक कर रहे हैं और यहाँ पे सारे मसाले का इनका है। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितने मसाले पड़े हैं यहाँ पे। गाइस आप उनको ना सीधे कमेंट में बताना कि आप तो भीते खाने अच्छे लगते हैं या मेरी तरह मसाले वाले, तो कमेंट पे आप लोगों को ये जरूर बताना। मसाले अरे अपने व्यूअर्स को बोल रहे हो क्या बेटा? क्या ये परेशान? और मैंने ना इनको बोला थे ये पूरा दोल दप्पा इनसे खा ले, इनसे इनको खाने से बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ये पूरा तुम खाओगे, पूरा मतलब पूरा ट्रे नहीं एक पूरा वो मैं डाल दी। चलो आई ट्राई, तो वो भी मैं बनाऊंगा। आई ट्राई हाँ, इनने तो पूरा खा लिया। सो गाइस अब मेरी बारी है, सो मैं खाता हूँ और एक में बाइट ले रहा हूँ। गाइस इसका बाइट ले रहा था, मैं ब्लर हो रहा हूँ, ये सही आ रहा है? सो गाइस ये सब बाइट आपने देख चुके हैं, मैंने किचन रिव्यू करा दिया था और जरा मैं उसको टेस्ट करके देख रहा हूँ। और इतना मजेदार चाट जैसे ही बता रहे हैं, दुनिया भर से हमारे पास लोग आते हैं और मतलब मैंने भी बहुत चीजें ट्राई की है लेकिन चाट बहुत मजे की है। और गोलगप्पे मैं नहीं खा रहा, परीक्षा तो पता होगा, तो ये तैसे गोलगप्पे मैंने खा रहा है, जूते बहुत अच्छे थे। तो बाकी ओवरऑल ये जो मैंने चीजें खाई हैं ये बैठी है वो बहुत ही मजेदार। मेन गुरु मंदिर में आज तो इसकी लोकेशन नहीं पता, तो मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हम लोगों की आप लोगों को सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग आसानी से उसको देख पाए। और हमारे आने वाले ब्लॉग्स बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, जैसे इनका खाना था। सो जैसे मैंने आपको बताया था गुरु मंदिर में और यमी वर्ल्ड ऑफ कराची एक बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है, क्योंकि कराची के खाने तो पूरे मतलब पाकिस्तान में मशहूर है, पाकिस्तान दुनिया पूरी दुनिया मशहूर है। सो जैसे थी कराची के खाने थी तो हम हमारे साथ ही रहेगा अगले ब्लॉग में, हम लोग अगले रेस्टोरेंट के साथ और कुछ और डिफरेंट खाने के साथ और डिफरेंट जगह के साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ आएंगे। तो हमारे अगले ब्लॉग के लिए अलाफ़िज़। ब्लॉग मजेदार सीरीज होने वाली है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजेदार आप लोगों को वीडियोस पहुंचती रहे।